नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Poco M3 वर्सेस Oppo A16 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Poco M3 में 6.39 इंच जबकि Oppo A16 में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Poco M3 में 3.04 इंच जबकि Oppo A16 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Poco M3 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Poco M3 में 0.38 इंच जबकि Oppo A16 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Poco M3 में 197 ग्राम्स जबकि Oppo A16 में 190 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Poco M3 में 19:5:9 जबकि Oppo A16 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Poco M3 में 6.53 इंचेस जबकि Oppo A16 में 6.52 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Poco M3 में 1080x2340 और Oppo A16 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Poco M3 में 83.25% जबकि Oppo A16 में 82.88% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Poco M3 में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Oppo A16 में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Poco M3 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मारो कैमरा देखने को मिलता है। और Oppo A16 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Poco M3 में Adreno 610 जबकि Oppo A16 में Powerwer GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Poco M3 में Qualcomm Snapdragon 662 और Oppo A16 में MediaTek Helio G35 मिलता है। बात करें RAM की तो Poco M3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है, जबकि Oppo A16 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Poco M3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Oppo A16 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Poco M3 में अप टू 512GB जबकि Oppo A16 में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Poco M3 में Android V10 Q जबकि Oppo A16 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Poco M3 में 6000 mAh जबकि Oppo A16 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Poco M3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 10,499 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें ओप्पो A16 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Poco M3 में 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें ओप्पो A16 की तो उसमें 2 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में पोको M3 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में पोको M3 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Hot 10 Play है जो कि 8,499 रुपए में मिलता है। दूसरा Moto G60 है जो कि 17,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Vivo Y1S है जो कि 9,490 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A03s है जो कि 12,499 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।